अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आमिर खान नट मैक के रिव्यू सेक्शन से आपको खुशामदीद कहता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि TCL का C855 इंचेस LED TV का सेटअप जो है वो कैसे किया जाता है और इसका जो क्या प्रोसीजर जो है वो क्या है। तो आइए चलते हैं सेटअप की तरफ और इसका सेटअप करते हैं। तो आइए इसको ऑन करते हैं। जी गाइस, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो इसकी सेट करनी है। ऑब्वियसली इंग्लिश है, इसके लिए इंडियन वर्जन किया गया है। इंडिया चूंकि क्विक सेटअप योर टीवी विद योर एंड्रॉइड फोन, अगर एंड्रॉइड फोन के साथ आप इसको कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसके साथ भी सेटअप कर सकते हैं। तो बहरहाल इसको फिलहाल हम इसको कंटिन्यू करते हैं। इसको फिलहाल हम स्किप कर देते हैं और फोन के साथ अगर करना है वाईफाई के साथ कनेक्ट तो उसके साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका इंटरनल घर के अंदर जो वाईफाई लगा हुआ है उसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी वाईफाई जो भी कनेक्शन है आपका उसके साथ आप कर सकते हैं। तो इसको फिलहाल मैं स्किप करता हूँ, इसे मैं किसी वाईफाई के साथ अभी कनेक्ट नहीं करता हूँ। ये टर्म ऑफ सर्विसेज आप एक्सेप्ट करेंगे, लोकेशन वो सर्विस कह रहा है अभी हम उसको नहीं करें। हेल्प इंप्रूव एंड्रॉयड यस, और चूज अ नेम फॉर योर बियॉन्ड टीवी, आप कोई भी इसका नाम जो भी आप रखना चाहते हैं तो वो आप रख सकते हैं। इसका एंड्रॉयड टीवी कर देते हैं, लिविंग रूम टीवी कर देते हैं, फैमिली रूम टीवी कर देते हैं इसका। तो इसके बाद इसको नेक्स्ट करेंगे। प्ले सर्विसेज हैं, कास्ट टू योर टीवी है वही जो मोबाइल फ़ोन वाली मैंने बात की है, क्रोम कास्ट इसके अंदर मौजूद है और उसके साथ आप मोबाइल के साथ अपना डाटा जो है ना टीवी के ऊपर देख सकते हैं, वो कास्ट कर सकते हैं। कंट्रोल योर डिवाइस स्मार्टफोन, यही स्मार्ट फोन के थ्रू आप अपने टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं ई कास्ट के थ्रू। तो एनवायरनमेंट आपका कैसा है, घर में है या शॉप पे आपने लगाया हुआ LED, वो आपसे पूछ रहा है। तो जो भी है आप सेलेक्ट करना चाहिए, यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी कंट्री जो है वो सिलेक्ट करेंगे, पाकिस्तान। सो टर्म एंड कंडीशन आई एग्री, प्राइवेसी नॉट, टिक ऑल द Notice. जी गाइस, तो ये आपका टीवी सेटअप हो गया है। ये है आपका TCL 4K UHD Android TV 55 इंचेस का। व्हाट अ ब्यूटीफुल डिस्प्ले आपको देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर आप जो इसकी एप्स हैं, प्री इंस्टॉल एप्स इसके अंदर आपको मिल जाती हैं, अपनी मर्जी से भी एप्स जो है ना आप इंस्टॉल कर सकते हैं इसके अंदर। गूगल प्ले भी है इसके अंदर, नेटफ्लिक्स आपको मिल जाता है, उसके बाद टी चैनल जो है टी कास्ट वो है, इसके बाद मीडिया सेंटर है, इसके अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो यहाँ पर मिल जाएंगी, वो आप जब सेटअप करें तो फिर। टीवी गार्ड है, यूट्यूब है, यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं, 4K वीडियोस आप इसके ऊपर चला सकते हैं। गूगल प्ले जो है मूवीज़ इसके अंदर है, गूगल प्ले गेम्स टीवी जो है वो इसके अंदर ऑब्वियसली आप देख सकते हैं, अपनी मर्जी से जो फेवरेट ऐप्स हैं वो यहाँ पे आप डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप ये डिफरेंट जो प्री इंस्टॉल जो है वो डिस्प्ले इसके अंदर दी गई है, वीडियोस दी गई हैं, इसको हम चला के देख लेते हैं। नोट नेटवर्क कनेक्शन वो कह रहा है। अच्छा, इससे पहले आपको जो नेटवर्क कनेक्शन है वो आपको बना लेते हैं हम, जिसका नेटवर्क के साथ जो है हम कनेक्ट कर लेते हैं इसको। उसके लिए यू हैव टू गो इन अ सेटिंग, सेटिंग के अंदर जाके यहाँ पे नेटवर्क इंटरनेट के अंदर जाएंगे, उसके बाद आप यहाँ पे जो भी आपका नेटवर्क है नेम है जो आप यूज कर रहे हैं उसको यहाँ पे आप जो है इससे कनेक्ट कर लेंगे आप।
जी गाइस, तो नेटवर्क से हम कनेक्ट हो चुके हैं, तो इसको हम बैक करेंगे। और उसके बाद आपने किसी भी आपका जो अकाउंट है उससे आपने साइन इन करना है। यहाँ पे जो गूगल अकाउंट है आपका, उससे आप अकाउंट जो है ना वो साइन इन करेंगे। और साइन इन करने के बाद आपकी जितनी भी सर्विसेज हैं गूगल से रिलेटेड, वो सारी जो है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जी दोस्तों, तो ये सेटअप हो गया है हमारा, इंटरनेट से भी नेटवर्क से भी कनेक्ट हो चुके हैं हम। हमने गूगल का जो अकाउंट है वो भी साइन इन कर लिया है। और इसके बाद हम सारी जितनी भी सर्विसेज हैं एंड्रॉयड की, गूगल की, और जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आप ये नेटफ्लिक्स के लिए, तो ऑब्वियसली आप ये बटन देख रहे हैं, हम डायरेक्टली यहाँ से अगर नेटफ्लिक्स का जो बटन दबाएंगे तो डायरेक्टली नेटफ्लिक्स यहाँ से ऑन हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पहले नेटफ्लिक्स के से साइन इन होना पड़ेगा। आपका अकाउंट होगा तो साइन इन कर लीजिएगा किसी भी जीमेल अकाउंट से। उसके बाद ये टी चैनल आपको यहाँ पे नज़र आएगा, यहाँ पे आपको डिफरेंट टी चैनल के अंदर एप्लीकेशन जो है ना वो नज़र आ रही हैं। यहाँ पे टी ब्राउज़र भी है, आपने ब्राउजिंग करनी है तो यहाँ ब्राउज़र को ओपन करके वो पहले डाउनलोड करेगा ब्राउज़र को, और उसके बाद कोई भी जो है वो आप एप्लीकेशन जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर ना। इसके अलावा इसके अंदर आप ये टी कास्ट है जो कि आप अपने मोबाइल से कनेक्ट करके और अपना डाटा जो है वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह आपने कनेक्ट करना। इसके अलावा और बहुत सी एप्लीकेशंस और बहुत सी चीज़ें जो है ना वो आप यहाँ पे इंजॉय कर सकेंगे फुल HD 4K रेजोल्यूशन के ऊपर। और इस तो अगर हम इसके बात करते हैं डिस्प्ले की, तो अल्ट्रा हाई UHD 4K इसका डिस्प्ले है, और इसकी जो रेजोल्यूशन है वो 3840x2160 है। और HDR और IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो फ्यूचर है सारी उससे रिलेटेड, उससे एम्बेडेड जो है ये आपका पूरा LED TV है 55 inches का। और वाइट कलर गैमेट इसके अंदर लिया गया है। साउंड बार आपको ऑन क्यू की नीचे नज़र आ रही है, और इसके अलावा इसके नीचे जो ना 2 सब वूफर्स जो हैं वो लगाए गए हैं इसकी साउंड क्वालिटी को इन्हेंस करने के लिए। और डॉल्बी एटमॉस जो है वो बिल्ट इन है इसके अंदर। इसका जो CPU है क्वाड कोर है, इसके अंदर दिया गया है 16 GB की इसके अंदर इंटरनल स्टोरेज दी गई है, और 2 GB की इसकी रैम है। नहीं नहीं यार, फ्रेंड